जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8:30, हम उसके रेडी और चलते नीचे करते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ हो चुका है, आ चुका है अपना नाश्ता। नाश्ते में आपको दिखाते हैं आज हमारा बना है आलू मटर की सब्जी और पराठा, तो दिखाते हैं आपको कैसा है। नाश्ते में है आज हमारा सब्जी, पराठा और दूध, यही है आज का अपना नाश्ता। तो अम्मा जी कर रही है पूजा, देख सकते हैं आप लोग, और मम्मी भी कर रही है पूजा। तो अपना कर निकलते हैं काम पे। गाड़ी पे आ चुके हैं, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर ली है, साफ सफाई हो चुकी है और अपना पिकअप भी आ चुका है। चलते हैं पिकअप पे, गाड़ी करवाते हैं अपनी लोड। अपने को जाना है गाड़ी लेके चौथे पुश्ते करता नगर से, और अपने को जाना हैगा ITO। तो ITO के लिए निकल चुके हैं, देख सकते हैं गाड़ी, हमने चल रहे हैं, गाड़ी को लोड करवाते हैं। पहले गाड़ी लोड करवाएंगे, उसके बाद अपना निकलेंगे ITO के लिए। धुंध देख सकते हैं काफ़ी हो रही है, ये काफ़ी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। घर से बाहर निकलें तो कम से कम मास्क ज़रूर लेके निकलें। पहुंच चुके हैं पिकअप पे और गाड़ी हो रही है हमारी लोड, फाइलें लोड हो रही हैं, देख सकते हैं फाइलें लोड कर रहे हैं, और ये लोड करा के हमें निकलना है ITO के लिए। कोई सरकारी डिपार्टमेंट है वहीं पे माल ये जाएगा। तो गाड़ी लोड करा के निकल चुके हैं, पुश्ते पे देख सकते हैं हाल धुंध का, कितना धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है। और ये रास्ता बिल्कुल अपना क्लियर है, क्योंकि आँखों में चिड़चिड़ाहट सी आ रही है, नहीं देख सकते हैं। शास्त्री पार्क वाला चौक आ चुका है और अपना पहुँच चुके हैं शांतिवन वाले रोड पर जो ITO से सीधा कनेक्ट होता है। हर जगह धुंध ही धुंध नज़र आ रही है, आंखों में हो रही है जलन, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसीलिए आप सब मास्क जरूर लगा के रखें। ITO पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम यूटर्न मारेंगे सीधा इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ के होते हुए निकलेंगे। तो ये देख सकते हैं यूटर्न हम यहाँ आ चुका है, और यूटर्न मारेंगे और आ जाएगी अपनी रेड लाइट ITO की, देख सकते हैं आप लोग। ITO की रेड लाइट पर हम पहुँच चुके हैं, सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आपको दिखी जाएगी सामने ये बिल्कुल फ्लाईओवर पार करते ही, और पहुंच चुके हैं। माल तरना स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी बिल्कुल ठस ठस भरी हुई है, लगभग इसमें 1000 नहीं 3000 फाइलें हैं लगभग। तो उतरवाते हैं, दूसरा पिकअप भी अपना आ चुका है, तो हमें जाना पड़ेगा उल्टा मोरी गेट। तो मोरी गेट के लिए निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, और चलते हैं मोरी गेट में, करवाते हैं अपनी गाड़ी को लोड। तो मोरी गेट से अपने को जाना है सेक्टर 6 नोएडा। तो ये निकल चुके हैं और यहाँ से मारेंगे यू टर्न और फीता पहुँचेंगे मोरी गेट। मोरी गेट लगभग आधा घंटा लगे पहुँचने में। मोरी गेट पहुंच चुके हैं, गाड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है लोड, और अपने को जाना है नोएडा सेक्टर 6। तो ये देख सकते हैं बंदे करा रहे हैं गाड़ी को लोड, गाड़ी लोड कराते हैं और निकलते हैं। गाड़ी लोड करा ली और निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी खाली रोड है। आने टाइम में थोड़ा जाम मिल गया था, लगभग 1 घंटा हमें लग गया आने में, और ये आ चुका है अपना शमशान घाट हनुमान मंदिर के सामने। और ये देख सकते हैं गीता कॉलोनी पर क्या हाल है, धुंध का काफ़ी तेज़ है, और अक्षरधाम पर तो बता रहे हैं मीडिया वाले कि काफ़ी तेज़ और धुंध, तो अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, इतनी धुंध पड़ रही है। तो चलते हैं आगे का रास्ता कवर करते हैं। तो नोएडा के अंडर अपनी एंट्री हो चुकी है, और नोएडा में अपना सेक्टर 6 में जाना है माल लेके, देख सकते हैं आप लोग। तो नोएडा सेक्टर 6 में चलते हैं और अपना उतरवाएंगे चल के माल। माल उतरवा दिया था नोएडा सेक्टर 6 में, और अपना ही सेक्टर 6 से ही आया है ऑर्डर। अपने को जाना है चांदनी चौक रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं गाड़ी कराते हैं लोड। आ चुके हैं, गाड़ी हो रही है लोड, देख सकते हैं आप लोग, और अपनी गाड़ी जो लोड हो रही है ये हो रही है अपनी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो गाड़ी लोड करा ली है और धुंध काफ़ी बढ़ रही है और अंधेरा हो चुका है, लगभग नॉन्ट्री में हमने इसे उठा रखा है चक्कर, लगभग बज रहे हैं 6। अब पहुँच चुके हैं नोएडा टोल के पास, चलते हैं आगे और आगे का सफ़र भी करते हैं कंटिन्यू। और ये देख सकते हैं धुंध कितनी काफ़ी पड़ रही है, और पहुँचते हैं अपना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, चलते हैं और दिखाते हैं आगे का सफ़र भी। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही अंदर जाके इसका ठिया है जहाँ हमें उतारना है माल। पहुँच चुके हैं, माल तो ना स्टार्ट हो चुका है, और देख सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस का डब्बा लगा हुआ है सामने, देख सकते हैं, और ये गाड़ी खड़ी हुई है अपनी पटरी के बिल्कुल बगल में ही अपना माल उतर रहा है। तो उतरवाते हैं माल और निकलते हैं। माल उतरवा दिया है और निकल चुके हैं। फिलहाल ये ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।